तेरी बुक्स कहाँ हैं? वो तो मैं लाइब्रेरी रख के आ गई क्योंकि मेरे को अपने बंदे से मिलने जाना था। हाय सिब्बू। हाय। एक्चुअली ना तुम बहुत स्वीट हो। हाँ तो? विल यू बी माय गर्लफ्रेंड? अरे हाँ कर दे यार, आखिर तू कब तक सिंगल रहेगी? दिखने में भी इतना हैंडसम है, ऊपर से दोनों एक दूसरे को जानते भी हो, तेरी केयर भी बहुत अच्छे से करेगा, है कि नहीं? अबे क्या हुआ? तूने फेंक क्यों दिया? सुन मेरी बात, इट्स माय चॉइस। और ये तुम जैसी लड़कियां बनाती होंगी बॉयफ्रेंड, मैं तो सीधे शादी करूंगी, शादी। मैं बॉयफ्रेंड नहीं बनाऊंगी। और जो मेरा पति होगा ना, ऐसा हीरा होगा, ऐसा हीरा कि तू भी जलती फिरेगी उससे। और ये काहे का हैंडसम, इससे कहीं ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग डिजर्व करती हूँ मैं। और सुन, 36 लड़के आएंगे 36 जाएंगे, पर मेरा वाला तो मेरी मम्मी ही लाएंगी। चल अब। हाय सिब्बू। हाय। कितने दिनों बाद मिली यार, तू कैसी है? तूने शादी कर ली और बुलाया भी नहीं, ये बहुत गलत बात है। एनीवेज पता है, आज मैं यहाँ से गुजर रही थी, फिर मेरे को याद आया तेरा ससुराल तो यही है, क्यों ना तेरे से मिलते चलूं। तुम जैसी लड़कियाँ बनाती होंगी बॉयफ्रेंड, मैं तो सीधे शादी करूंगी, शादी। मैं बॉयफ्रेंड नहीं बनाऊंगी। और जो मेरा पति होगा ना, ऐसा हीरा होगा, ऐसा हीरा कि तू भी जलती फिरेगी उससे। और ये काहे का हैंडसम, इससे कहीं ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग डिजर्व करती हूँ मैं। और सुन, 36 लड़के आएंगे 36 जाएंगे, पर मेरा वाला तो मेरी मम्मी ही लाएंगी। चल। घर में सब ठीक है? अच्छा, अब यही से भगाएगी क्या? घर के अंदर नहीं बुलाएगी? अच्छा, अंदर आना है, ठीक है, आ जा। और बता। अच्छा, अपने पति से तो मिलवा। अरे वो आज उनका ना मूड थोड़ा ऑफ है, तू फिर कभी आएगी ना तब मैं मिलवा दूंगी। और वैसे भी आज तू जल्दी में होगी ना? नहीं नहीं, मैं तो एकदम फ्री हूँ। अच्छा, पर आज उनका थोड़ा मूड ऑफ है, पर कोई नहीं, ले तो चाय पी। अरे वाह, तेरे को ऑलरेडी पता था कि मैं आने वाली हूँ। अरे नहीं, ये चाय तो मेरे पति के लिए थी। तो यार तू यहाँ क्यों खड़ी है? ये उन्हें देख क्या, इसी बहाने मैं भी मिल लूंगी, है कि नहीं? अरे नहीं नहीं, तू बैठ, मैं चाय देकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, मेरे को कोई तकलीफ नहीं, चलते मिलते हैं ना। अरे नहीं नहीं, तू थक गई होगी, बहुत दूर से आई है, मैं देकर आ जाऊंगी, तू आराम कर। हाँ नहीं, तू आराम कर। घर में सब ठीक है? अच्छा, तो इसलिए नहीं मिलवा रही? चुप चुप चुप, अंदर चल, अंदर चल, अंदर चल। अच्छा बेटा, मेरे को ना सब समझ में आ रहा है, तूने इसीलिए अपने पति से नहीं मिलवाया ना, क्योंकि वो मोटा है, चश्मिश है। तू पहले क्या कहा करती थी, मेरा जो पति होगा वो तो हीरा होगा, हीरा, और मेरे हीरे जैसे पति से तो जलेगी। इस मोटे गेंडे से जलूंगी मैं, चल। और हाँ, एक चीज और याद आई, क्या बोल रही थी, मेरा पति बहुत चार्मिंग होगा, हैंडसम होगा, ऐसे कुछ बोला था ना, क्यों अब क्या हुआ? अरे हाँ, एक चीज और थी, 36 लड़के आएंगे 36 लड़के जाएंगे, मेरे वाला तो मेरी मम्मी लाएंगी, ये लाइए तेरी मम्मी, हैं? अब बोल ना, बोलती क्यों बंद हो गई? सुन मेरी बात, तुझे ना मैं एक काम की बात बताती हूँ, जो मुझे भी बाद में समझ में आई है। पति ना ऐसा होना चाहिए जिसकी शक्ल नहीं दिल अच्छा हो, जिसका पेट नहीं जेब मोटी हो, और जिसकी पर्सनैलिटी नहीं जॉब अच्छी हो, तभी तू लाइफ में सक्सेसफुल रहेगी। हाँ यार, ये बात तो मैंने सोची नहीं। और दूसरा फायदा सुन, पति जितना ही गंदा तो उतनी ही सिक्योर। सोच के देख, अगर पति स्मार्ट होगा तो उसके बाहर कितने अफेयर्स चलेंगे, पति गंदा होगा तो सारी इंपॉर्टेंस तेरे को ही देगा, सारा प्यार
तेरे पे ही लुटाएगा, सारा ध्यान तेरे पे ही रहेगा, कोई बाहर अफेयर का चक्कर ही नहीं है। हाँ सिब्बू, तू कह तो सही रही है, मैं ना आज ही जाके अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करूंगी। साला नल्ला, जब देखो मेरे से पैसे मांगते रहते हैं। वैसे एक बात पूछूं, तेरा पति घर पे रहकर इतने पैसे कैसे कमा लेता है यार? सिंपल है यार, एक ऐप के थ्रू। ऐप? कौन सी ऐप? और कोई ऐप से कैसे पैसे कमा सकता है? अरे बायनैनी ऐप। बायनैनी ऐप की कैसे वर्क करता है? देख, पहले तुझे कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना है, फिर उसके बाद वो डबल हो जाएंगे। क्या, पर कैसे? देख, मिनिमम डिपॉजिट 100 रुपए का है, तो तुझे 100 या उससे ज्यादा इन्वेस्ट करना है, जैसे तेरा मन करे। और फिर बेट करते टाइम तुझे पीरियड सिलेक्ट करना है। जो ग्राफ है वो ऊपर नीचे जाएगा, तो तुझे बस गेस करना है तेरा ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे। अगर तेरा गेस सही निकला तो तू डबल पैसे जीत जाएगी, जैसे 100 का 200। और बैट करने के बाद 1 मिनट वेट करना पड़ता है ताकि तेरे जीतने के चांस ग्रो हो सके। देख, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि तू ग्रीन बटन प्रेस कर, इससे हम एक कदम आगे बढ़ते हैं जीतने की तरफ। वाओ यार, ये तो कितना कूल ऐप है, लेकिन इसमें इन्वेस्ट कैसे करें? पेटीएम के थ्रू। और हम कलेक्ट कैसे करेंगे जीते हुए पैसे? सिंपल है, तू अपने जीते हुए पैसे इंस्टेंटली ट्रांसफर कर सकती है अपने पेटीएम पर। ओ वाओ यार, इसे मैं भी डाउनलोड करती हूँ। हाँ जरूर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा डाउनलोड कर और घर बैठे बैठे पैसे कमा। थैंक यू सो मच सिबू, चल मैं चलती, बाय बाय। सिब्बू, 10 बज गए बेटा, उठ जा। उठ जा बेटा, ये कोई सोने का टाइम है। सिब्बू, 12 बज गए बेटा, उठ जल्दी, खड़ी हो, इतनी देर तक कौन सोता है, पागल है क्या तू? शादी करके ससुराल में जाएगी तो वहाँ पे तुझे इतनी देर तक कौन सोने देगा, वहाँ पे तेरी माँ नहीं बैठी? चल जल्दी खड़ी हो जा। अरे मम्मी क्या है, सोने दो ना। और मुझे पता है सास को कैसे पटाना है, आपकी बेटी बहुत टैलेंटेड है, अपनी सास को भी मैं माँ बना लूंगी वहाँ जाके, और फिर वहाँ भी मैं ऐसी ऐश से 12-1 बजे तक सोऊंगी, और फिर मुझे वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब मुझे सोने दो प्लीज। पता नहीं क्या होगा इस लड़की का शादी के बाद। बहू, ओ बहू, अभी तक उठी नहीं क्या? मेरी चाय का टाइम हो गया। यहाँ तो अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ आई माँ जी। ये सुबह सुबह फैंसी ड्रेस लपेट के किचन में काम करना पड़ता है। अरे बहू, मेरा चश्मा देखा क्या? पापा जी, आपका चश्मा ये रहा। ओहो, अरे यार, बुढ़ापे में तो कुछ याद ही नहीं रहता है। इतना टाइम लगता है क्या चाय लाने में? अरे बेटा, आ गए स्कूल से? नहीं मम्मा, अभी रास्ते में ही हूँ। बहुत मजाक करने लग गई है। चल अच्छा, तू कपड़े वगैरह चेंज कर, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है। ले बेटा पानी। अच्छा बेटा, मुझे तुझसे कुछ पूछना है। तूने आगे अपने फ्यूचर के लिए कुछ सोचा है? तू आगे चल के क्या बनना चाहती है, क्या करना चाहती है? कुछ नहीं मम्मा, स्कूल के बाद ग्रेजुएशन करूंगी।
अच्छा बहुत बढ़िया, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद क्या करेगी? ग्रेजुएशन के बाद एक अच्छी सी जॉब करूंगी या फिर अपना कोई बिजनेस करूंगी। बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा तू आराम कर, मैं चलती हूँ। बहू पोते का मुंह कब दिखा रही है? माँ जी अभी कल ही तो शादी हुई है। हाँ तो रात को हो तो जाता है सब कुछ, अब तो हो जाना चाहिए है कि नहीं? अरे बहू उल्टी हुई क्या? माँ जी अभी 3 दिन पहले ही तो मेरी शादी हुई है। तो सुषमा की बहू को देखो, पहले दिन ही पैर भारी हो गया था। अरे बहू अब तो लल्ला की आवाज सुना दे, मेरे तो कान तरस गए उसके आवाज सुनने को। माँ जी अभी 1 ही हफ्ता तो हुआ है मेरी शादी को। तो तुझे पता है वो सुषमा की बहू नहीं है, वो तो 1 हफ्ते में बच्चा भी घर ले आई थी। अरे बहू अब तो मेरी आखिरी इच्छा पूरा कर दे, मेरे को मेरे पोते की शक्ल दिखा दे बहू। अब मैं मरने वाली हूँ बेटा, मेरी बस आखिरी इच्छा पूरी कर दे, पोते की शक्ल दिखा दे बहू। पर माँ जी अभी 1 ही महीना तो हुआ है मेरी शादी को। तो सुषमा की बहू के लड़के को देखा है, 1 महीने में स्कूल जाने लग गया था। अरे तू है तो मेरे को पोते की शक्ल तक नहीं दिखा सकती। पिछले कमरे में घुस के कुछ तो करेंगे, छुप के मिल जरा देखेंगे, इंग्लिश फिल्में होंगे लवसीन जिन में अरमा जगा ले दिल में मिल जरा। डैडी मम्मी। अरे बहू मैंने ना घर के लिए मन्नत मांगी थी, घर में सुख शांति बने रहे ताकि, तो इसीलिए हम दोनों हरिद्वार जा रहे हैं। ठीक है तो घर का तुम अच्छे से ध्यान रखना और अपना भी ध्यान रखना, ठीक है? खाना टाइम पे खा लेना। ओके जी माँ जी। चलो जी। चलो कल तक के लिए तो हिटलर चली गई इस घर से। हेलो मम्मी। अरे क्या कैसी हूँ मम्मी, छोड़ो ये सब, पहले आप ये पूछो कि मैं यहाँ क्यों हूँ, आपने क्यों कर दी इस घर में मेरी शादी? मेरा कोई ख्याल नहीं रखता मम्मी, इतनी बुढ़िया खुसट है ना ये ससुर भी मेरा एक नंबर का एकदम घटिया आदमी है, मेरी सास भी एक नंबर की घटिया है, वो सारा दिन मेरे पे हुकुम चलाती रहती है, बहू ये कर ले बहू वो कर ले बहू तेरे पाँव दबा दे बहू खाने में आज ये बना दे वो बना दे, मतलब नौकरानी बना के रखा हुआ है मुझे मम्मी, मैं क्या बताऊँ मम्मी, मुझे घर पे बुला लो। बता भी नहीं सकती अपना दुखड़ा मेरे पे क्या बीत रही है मम्मी, मेरे को लेने आ जाओ मम्मी।